हम लोग देखेंगे कि जो है वो कौन कौन से सिक्स क्लास हैं जिनको जो है डी कैंडोले ने रिकॉग्नाइज किया है। तो अभी हम बताए हैं कि जो डी कैंडोले साइंटिस्ट हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब करने में। तो इन्होंने जो है रिकॉग्नाइज किया है, देयर आर फॉलोइंग सिक्स क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक प्लांट्स वेयर रिकॉग्नाइज बाई डी कैंडोले। और इन्होंने जो ये रिकॉग्नाइज किया है सन 1883 में किया है। तो इन्होंने टोटल 6 क्लास जो है रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि कहीं पर ओल्ड वर्ल्ड ना ओल्ड वर्ल्ड लिखा हुआ है और कहीं पे जो है न्यू वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्यों जो है न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड कहा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड जो वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, ये जनरली टाइम ड्यूरेशन को लेकर के है, यानी जिनका फॉर्मेशन जो है काफ़ी पहले हुआ है, जो पुराने हैं उनको ओल्ड वर्ल्ड कहा गया है, और जो नए वाले हैं जिनका फॉर्मेशन बाद में हुआ है उनको जो है न्यू वर्ल्ड कहा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जनरली जो है अमेरिका जो है इसको न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड जो है न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड बनाया गया है, क्योंकि अमेरिका जो है बाद में डेवलप हुआ है, बाद में इनको डिस्कवर किया गया है। लेकिन इससे पहले जो है जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ये पुराने हैं, इसीलिए इनको ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले एशिया की अगर हम बात कर ले, तो अपना जो ये इंडिया है, जो कंट्री है, ये भी एशिया के अंतर्गत ही आता है। एशिया की बात करेंगे तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये इतना बड़ा है कि इस एशिया के अंदर टोटल 51 कंट्रीज़ हैं, 51 कंट्रीज़ हैं आज के समय में। उन 51 कंट्रीज़ में से जो है एक अपना इंडिया भी है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना बड़ा होगा। टोटल जो है अपने पूरे वर्ल्ड में देखें तो टोटल जो है 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं, उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वो एशिया है, जिसके अंतर्गत टोटल 51 कंट्रीज आते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई फसल का या प्लांट्स का ओरिजिन जो है अमेरिका से होता है, जिसकी ओरिजिन अमेरिका से हुई है, उसको न्यू वर्ल्ड क्रॉप कहा जाएगा, न्यू वर्ल्ड क्रॉप कहा जाएगा। और जिस फसल का ओरिजिन जो है यूरोप, एशिया या फिर अफ्रीका जैसे जगह पे हुआ है, तो उसको कहा जाएगा ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप्स। यानी जो है जो अमेरिका से ओरिजिन हुआ उसको कहा जाएगा न्यू वर्ल्ड क्रॉप, नए जमाने का क्रॉप है। और जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका से ओरिजिन हुआ है उसको कहा जाएगा ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप। तो अब यहाँ पे यही सभी टर्म यूज होने वाले। तो सबसे पहला जो क्लास बनाया गया है, लिखा हुआ है ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज कल्टीवेटेड फॉर ओवर 4000 ईयर्स, यानी 4000 साल पहले से जो है जिनका कल्टीवेशन किया जा रहा है, जो कि ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज कहा जा रहा है। यहाँ पे ओल्ड वर्ल्ड नाम से ही हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि इनका जो ओरिजिन है या जो कल्टीवेशन कराया जा रहा है, ये एशिया, यूरोप या अफ्रीका जैसे जो है जगह पे कराया जा रहा होगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज कहा गया है। तो इसमें आ जाएगा मिलेट्स, राइस, सोरगम, वीट, एग प्लांट और एप्पल। मिलेट्स की अगर हम बात करेंगे तो मिलेट्स को जनरली जो है यहाँ पे हम लोग मिलेट्स को कहते हैं बाजरा। गांव वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा बाजरा जो है, बाजरे की खेती की जाती है, तो मिलेट्स जो होता है वो बाजरा को कहा जाता है। और सोरगम मीन्स होता है ज्वार। आज भी जाएंगे कभी गांव साइड में तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो है बाजरा और ज्वार वगैरह की खेती की जाती है, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा इसकी खेती की जाती थी। जैसे जैसे हम लोग एडवांस हो रहे हैं, समय बीत रहा है, बहुत सारे ऐसे फसल पाए जाते हैं जिनकी खेती जो है धीरे धीरे कम कर दी गई है। तो मिलेट्स हो गया, बाजरा हो गया, राइस हो गया, चावल जिसको कहते हैं हम लोग, सोरगम हो गया, ज्वार, वीट हो गया, एग प्लांट। एग प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिंजल को जो है एग प्लांट कहा जाता है। आज के समय में जो हम लोग बैगन यूज करते हैं, शुरुआत जब इसकी हुई थी तो इसका जो फ्रूट होता है वो बिल्कुल जो है अंडे जैसा होता था, इसीलिए इसका नाम एग प्लांट रखा गया है। और एप्पल, ये जितने आप लोग यहाँ पे जो है प्लांट देख रहे हैं, प्लांट के नाम देख रहे हैं, ये जनरली ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज है। दूसरा जो है ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज कल्टीवेटेड फॉर ओवर 2000
2000 ईयर्स, यानी लगभग 2000 साल से जिनकी जो है खेती कराई जा रही है, कल्टीवेट कराए जा रहे हैं। इसमें आता है ओट्स, राई, शुगर केन, पॉपी और बीट्स। पॉपी की बात करेंगे तो अफीम को जो है पॉपी प्लांट कहा जाता है, जिससे अफीम प्राप्त होता है। तीसरा है ओल्ड वर्ल्ड स्पेसीज कल्टीवेटेड फॉर लेस देन 2000 ईयर, यानी ऐसे क्रॉप, ऐसे फसल जो है जिनकी खेती जो है लगभग 2000 साल से कम समय से कराई जा रही है। इसमें आएगा कॉफ़ी, लेडीज फिंगर, पार्सले, पार्सनिप। कॉफ़ी जानते ही होंगे आप लोग, लेडीज फिंगर की बात करेंगे तो भिंडी को कहा जाता है। पार्सली अगर बात करें तो ये अजमोद, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। जनरली ये अजवाइन का ही एक वैरायटी है, अजवाइन के जैसा इसका टेस्ट होता है। पार्सनिप की बात करेंगे तो चकुंदर की एक वैरायटी होती है। अब नेक्स्ट आ गया चौथा जो है, न्यू वर्ल्ड स्पीसीज कल्टीवेटेड फॉर मोर देन 2000 ईयर्स, यानी ऐसे स्पीसीज की यहाँ पे बात की जा रही है जिसका ओरिजिन जो है अमेरिका से हुआ है। अमेरिका में भी कई रीजन है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, तो अमेरिका वर्ल्ड से यानी पूरे एरिया को कवर किया जा रहा है। तो उन जो अमेरिका से ओरिजिन हुआ उनको कहा जा रहा है न्यू वर्ल्ड स्पीसीज, और इनका जो कल्टीवेशन है लगभग 2000 साल पहले से किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो मेज हो गया, किडनी बीन हो गया, कोकोवा हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, टोबैको हो गया। कोकोवा की अगर हम बात करेंगे तो इसको जो है कॉमन भाषा में ककाओ कहा जाता है, और ये जनरली पहाड़ी क्षेत्र में इसके ट्री होते हैं, और इसके फ्रूट से, फ्रूट के अंदर सीड पाए जाते हैं, उन सीड से जो चॉकलेट बनाया जाता है, आइसक्रीम्स बनाए जाते हैं। ज़्यादातर इनसे जो है डार्क चॉकलेट बनाया जाता है, जिसका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। तो मेज को जो है न्यू वर्ल्ड क्रॉप भी कहा जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, न्यू वर्ल्ड स्पीसीज कल्टीवेटेड बिफोर द टाइम ऑफ कोलंबस। कोलंबस के समय से पहले से जो है कुछ ऐसे प्लांट है जिनकी खेती की जा रही है, जैसे कि कॉटन हो गया, पोटैटो हो गया, गुआवा हो गया, पाइनएप्पल हो गया। कॉटन की बात करें तो हिंदी में कपास कहा जाता है, अपने इंडिया में लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन होता है। पोटैटो आलू को कहा जाता है, गुआवा अमरूद हो गया, और पाइनएप्पल जो है अनानास को कहा जाता है। छठवां जो क्लास बनाया गया है जनरली, ये सबसे एडवांस है, न्यू वर्ल्ड स्पीसीज कल्टीवेटेड सिंस द टाइम ऑफ कोलंबस। कोलंबस के समय से जो खेती करते आ रहे हैं, जिसमें ब्लैकबेरी होता है, चिनकोना होता है, रबर होता है और स्ट्रॉबेरी होता है। चिनकोना की बात करेंगे तो ये जो है मेडिसिनल प्लांट होता है, जिसकी छाल से जो है एंटी मलेरियल ड्रग्स बनाई जाती है, यानी मलेरिया को ठीक करने वाला दवा बनाया जाता है। रबर ट्री की बात करेंगे तो इससे रबर प्राप्त होता है, उस रबर का यूज जो है टायर वगैरह बनाने में, ट्यूब बनाने में, जितने भी रबर से रिलेटेड चीजें होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है। तो ये हो गया 6 क्लास जो कि इकोनॉमिक प्लांट्स के हैं, और इनको रिकॉग्नाइज्ड किए थे जो है डी कैंडोले ने सन 1883 में किए थे, और इसको अपने बुक में जो है मेंशन किए हुए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।